प्रवीण धीरे चलाओ। मैं धीरे चला रहा हूँ। तुम मेरी इस बात कभी सुनते क्यों नहीं? सुननी चाहिए भी नहीं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही। मनीषा देखो, मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, प्लीज गुस्सा मत दिलाओ। हेलो, स्ट्रेस में मैं भी हूँ। इस टाइम तक मैं सो चुकी होती हूँ ना फॉर माय ब्यूटी स्लीप एंड आई एम हियर। प्लीज स्ट्रेस में मैं भी हूँ, तुम ही मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आरवी गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। क्या हुआ, कुछ दिखा गया? मैंने कुछ मिस किया क्या? नहीं, कुछ मिस नहीं किया है और कुछ नहीं हुआ। मैं बस ये कह रही हूँ कि इसे घर जाने दो और ब्यूटी स्लीप लेने दो, क्योंकि जबरदस्ती हमने पीछे बिठाया हुआ है और हम इसे लेकर जा रहे हैं। इट्स बेटर, जाने दो इसे। तुम लोग बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करोगे? Tell him. No, please, you listen to me, both of you. आज की रात कई मुश्किलों से गुजरे हैं हम लोग और अभी भी कुछ सही नहीं हुआ है। So please, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो सब लोग अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें। देखो कि बाहर कुछ अगर मिलता है तो मुझे बताओ, ओके? ये सब फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। God. ये क्या हुआ? जीजू गाड़ी क्यों रोक दी? रीजन होगा तभी रोकी है ना? हाँ, पर क्या रीजन है? तुम्हें कुछ दिखा क्या? अरे भाभी, दिखा होगा तभी तो रोकी है ना भाई? नहीं, मतलब पेट्रोल ओवर। क्या मतलब? क्या तुम्हारा? अरे मतलब पेट्रोल खत्म, फिनिश्ड, ओवर। अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और सब, ओह माय गॉड, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अभी गाड़ी भी बंद पड़ गई है, मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये रोने वाली सूरत क्यों बनाई है तुमने? देखो आरवी, मेरा मुंह मत खुलवा, फिर मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहोगी और तुम खुद को बेवकूफ बोलोगे। सो इट्स बेटर हम अच्छे से रहते, प्लीज एक दूसरे को कुछ गलत नहीं बोलते, प्लीज। कौन ऐसे करते है? बिना पेट्रोल चेक करे गाड़ी कौन लेकर आता है? अभी दो सेकंड पहले क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं खुलवाऊं, उल्टा सीधा नहीं बोलवाऊं तुमसे? अपनी बात भूल के क्या? प्लीज चुप रहो, मुंह बंद रखो, अच्छे से रहो, समझी? प्लीज गाइस, गाइस प्लीज यार स्टॉप इट। भाई जो करने हैं वो कर लें। दी जीजू, पूरी जिंदगी दोनों साथ में हो, बाद में लड़ लेना। एक मिनट, हम जब से घर से निकले ना, मैं ये लाइन नोटिस कर रही हूँ। क्या? हाँ यार, पेट्रोल की लाइन हो सकती है। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर केके को जिस गाड़ी में लेके गए उसका पेट्रोल लीक हो रहा है और उसी की लाइन हो। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी भाई। अच्छा, अब केके की गाड़ी से पेट्रोल भी लीक होता है। देखो, तुम ना उनके बारे में कुछ मत बोलो क्योंकि मैं नहीं सुनूंगी, वो ना अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो अपना क्यों नहीं रखते जो गायब हो गए? अरे तुम, यू बोथ जस्ट स्टॉप इट। ना तो मिस्टर केके तुम्हारे पापा हैं और ना ही मिस्टर केके तुम्हारे ससुर हैं। आंटी, तो व्हाट द हेल आर वी डूइंग हियर?